बलराम पास में आए हुए हैं, वो भूखे हैं, उनके लिए कुछ खाने का दो। लेकिन जो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग थे ना, उन लोगों ने सुन कर भी अनसुना कर दी। वो बड़े दुखी होकर के वापस आ गए, बोले कन्हैया तू बोल रहा था तेरे नाम लेने पर ये लोग बड़े बड़े सुंदर खाना देंगे, लेकिन तेरा नाम सुनकर अनसुना कर दिए। इतने में कृष्ण ने कहा देखो उनकी जो पत्नियां है ना स्त्रियां, वो मेरे परम भक्त है, उनकी पत्नियों के पास में जाओ। सखाओं ने कहा भैया जो इतने बड़े बड़े वेद पढ़ने वाले, क्योंकि मथुरा में कोई त्रिवेदी, कोई द्विवेदी, कोई चतुर्वेदी, मतलब कोई चार वेद को जानने वाले, कोई छह वेद को जानने वाले, कोई तीन वेद को जानने वाले, इतने जो वेद को पढ़े हैं, जब तेरे नाम की महिमा हुए नहीं समझे, और ये घर की जो स्त्रियां जिनकी उपनयन में संस्कार भी नहीं, जिनकी वेद में अधिकार नहीं, कहते ये लोग सुनकर के खाना देंगे। कृष्ण ने कहा देखो जो भिक्षा मांगने जाते हैं ना, इतने उदास होने पर नहीं चलते, एक बार जा करके देखो। बोले ठीक है, और एक बार कोशिश करते हैं। सचमुच से उन लोगों ने जब गए, सचमुच से दूर से सुना, इनके घर की जितने पत्नियां थी ना ब्राह्मणियां, दूर से बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण की कीर्तन गा रही थी। हैं बोले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर नारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर नारी, जय राधा जय पर गए, बल्कि यहाँ पर पास में कृष्ण बलराम आए भूखे हैं, आप लोग से कुछ उन्होंने खाना मंगवाए। इतना सुनते उनकी कहान खड़ा हो गई, बल्कि क्या पास में कृष्ण आए, जिसने पुतना कुमारी अघासुर बकासुर को जिसने मारे, जिसने ये गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, वही कृष्ण की बात कर रहे हो? बोले हाँ वही कृष्ण की बात कर रहा हूँ। बोले सचमुच से पास में आए, क्योंकि ये लोग बड़े कृष्ण भक्त थे, बड़े कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के प्रेम में पूरा पगी हुई थी ये लोग, बड़े दिनों से इनकी इच्छा थी कृष्ण दर्शन करे, लेकिन कंस के डर से कोई कृष्ण दर्शन के लिए नहीं जा पा रही थी। जब उन्होंने सुना कृष्ण बलराम पास में आए, जितने मालपुआ जितने लड्डू कचौड़ी बनाया कर रखे थे किसके लिए, यज्ञ के लिए, वो सारे चीज को उन्होंने उठा करके, जैसे नदियां समुद्र तरफ में भागती है, ऐसे ही वहां के सब दौड़ पड़े कृष्ण के लिए। किसने जाकर के जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, बोले तुम लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ में सुहा सुहा कर रहे हो, इसके लिए जितने लड्डू कचौड़ी बनाए थे ना तुम्हारी पत्नियां, ये सबके सब लेकर कृष्ण के पास में जा रहे हैं लेने के लिए। बोले क्या, ये यज्ञ के लिए लेकर के ग्वाल के लिए नहीं जा रहे हैं,
इतने में तो चोटी खड़े करके भागे वहां से, और पत्नियों से बोले खबरदार अगर घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे। इतने में उन लोगों ने बोले तुम्हारी घर में हम नहीं आएंगे, हम तो कन्या तो पास में रहा करेंगे, तेरे घर भी नहीं आएंगे। इतने में सचमुच से जब कृष्ण को पास में गए तब कृष्ण इनके लिए कहते हैं स्वागतम में महाभागा किम वाम करवाणि ते। फिर इनके लिए कृष्ण स्वागत शब्द प्रयोग करते हैं, हे मथुरा के रमणिया, मथुरा के ब्राह्मणिया, तुम लोग को मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि तुम लोग ने सारी बाधा विपत्ति को तोड़ करके जो चीज यज्ञ के लिए बनाए थे वो सारे चीज मेरे लिए लेकर के आए हो। क्योंकि मूल यज्ञ स्वरूप कौन है, बोले यज्ञ भाई हरि कृष्ण। तो भगवान कृष्ण उनको स्वागत करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे भक्त लोग कहते हैं, आप लोग जो भागवत कथा सुनने के लिए आए ना, आपका घर है, सबका घर में कुछ ना कुछ काम होगा, होगा कि नहीं? ऐसे नहीं काम नहीं होगा, सबके घर में कुछ ना कुछ काम है, लेकिन आप लोग ने सारी बाधा विपत्ति को तोड़ करके आप लोगों ने ये श्रीमद भागवत कथा में आए हो। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भागवत कथा में आते हैं, ये भागवत और कोई नहीं, ये कृष्ण स्वयं है। क्योंकि जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, वहीं पर श्री उद्धव जी थे। उद्धव जी कृष्ण से प्रश्न करके बोले, प्रभु आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसकी आश्रय लेकर के जगत में रहूंगा? कृष्ण स्वयं ये बात को कहते हैं, बोले कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाधिविश कलौ नष्टाद्रिसमेश पुराण अर्क धुनादित। जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाधिविश, स्वयं भगवान कृष्ण चले जाने पर इस जगत में जीव के कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं यदि श्रीमद भागवत कथा रूप में, इसलिए भागवत को बताया तेन अयंग बांगमय मूर्ति, ये भागवत कथा नहीं, कृष्ण स्वयं शब्द ब्रह्म रूप में, ये अक्षर रूप में, ये श्रीमद भागवत ग्रंथ रूप में कृष्ण स्वयं इसी जगत में प्रकट हुए। कृष्ण स्वयं कहते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूर होता हो जाता है, चोर गुंडा बदमाश का दूर भय भय दूर हो जाती है, उसी तरह जब श्रीमद भागवत ग्रंथ इसी जगत में प्रकट हुए, सभी के हृदय में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो अपने आप दूरीभूत हो गया, और हृदय में कृष्ण प्रेम कृष्ण दर्शन हो गया। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। इसलिए ये भागवत ग्रंथ को बताए, बोले तमादि देवम करुणादिदानम तमाल वर्णम स्थुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजा महिभागवतम स्वरूपम। बोले तमादि देवम करुणानिदानम, यदि भागवत है क्या? जैसे भगवान कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए बताइए ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण कौन है? बोले ये अनादि के आदि, उसका भी जो आदि है यदि भगवान कृष्ण है, यदि जो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, यदि ये कृष्ण स्वयं, जैसे कृष्ण सर्व कारण का कारण है, यदि श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी जितने सारे ग्रंथों में, इसलिए हम आगे सुनेंगे जब व्यास देव जी सारे ग्रंथ को रचना करते हुए भी उनको शांति नहीं मिली, तो उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखे जिसको द्वारा इनको शांति मिली। शिक्षा देते हैं ये सारे ग्रंथ किसने रचना की? बोले व्यास देव ने, व्यास देव स्वयं रचना की। इसलिए व्यास देव स्वयं कहते हैं, बोले देखो भैया मैं ये सारे ग्रंथ मैं ही रचना की, लेकिन ये सब ग्रंथों को लिख करके मुझे ही शांति नहीं मिली, मेरे को पूर्ण शांति मिली जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना की। शिक्षा देते हैं अब भी तुम भी जीवन में शांति और सुख चाहते हो, ये भागवत ग्रंथ को पढ़ो, और ये भागवत ग्रंथ से ही तुमको पूर्ण शांति और पूर्ण आनंद केवल तुम्हें श्रीमद् भागवत ग्रंथ में मिलेगा। इसलिए बोले तमादि देवम करुणा निदानम, जैसे कृष्ण कहते ना हे कृष्ण करुणा सिंधो
दीन बंधो जगतपते गोपी सह गोपी का कांत राधा कांत नमस्ते। बोले कृष्ण कौन है? बोले हे कृष्ण करुणा सिंधो, कृष्ण करुणा के समुद्र है। बोले दीन बंधो, दीनों का बंधु है, करुणा सिंधु और दीनों का बंधु भगवान बड़े दयालु है। कहते उसी तरह कहते ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी वो कृष्ण अभिन्न स्वरूप है, वो भी करुणा सिंधु, वो भी दीनों का बंधु कौन है? भगवान कृष्ण की भागवत ग्रंथ। इसलिए अपार संसार समुद्र से तो आप लोग समुद्र देखे हो, कौन कौन समुद्र देखे हो? समुद्र को देखते कोई आर बार दिखती है, कोई आर बार नहीं दिखती है, देखे हो ना समुद्र की? तब भी ये समुद्र का कोई आर बार है, समुद्र के आर पार है। लेकिन कहते हैं हम लोग जो समुद्र में पड़े हुए, कौन सा समुद्र? बोले भव समुद्र, संसार का जन्म मृत्यु का चक्कर में हम जो पड़े हुए हैं। कहते भैया इसका कोई आर पार नहीं है, पता नहीं कब से हमने भगवान को भूल करके ये संसार में आए और अनादिकाल से ये जन्म मृत्यु का चक्कर में हम भी पड़े हुए हैं। अगर ये अपार संसार समुद्र से तू अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, बोले सबसे बढ़िया क्या है? बोले श्रीमद् भागवत। इसको उदाहरण दिया सेतु, जैसे कोई लंच में कोई नाव में जाते हैं ना, कभी डूब सकती है, हैं? लेकिन ये भागवत ग्रंथ कैसे? बोले सेतु, सेतु मतलब बांध, बड्डा में जिसमें जाओगे ना भैया, कोई डूबने का कोई चांस नहीं, गिरने का कोई चांस नहीं। मतलब है ये भागवत कथा को तुम सुनोगे, जैसे श्री परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोले, बोले सुखदेव परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यज्ञ तपस्या स्वाध्याय तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल तुम यहाँ पर बैठो और तुम भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा ही सुना। और कथा सुनते 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 तुम देखोगे पता नहीं ये कब तुम भवसागर से पार हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगर हम भी ये श्रीमद् भागवत कथा भी सुनेंगे, आपको लगता है नहीं तो हम तो केवल बैठे हैं, केवल कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, नहीं, भगवान कानों के मध्यम से कथा सुन रहे हो। दो कान है ना, इधर से प्रभु प्रवेश कर रहे हैं, इधर राधा रानी और इधर कृष्ण, सिद्धार्थ में कौन है? कृष्ण, और इधर में राधा रानी। इसलिए दोनों जाकर के ना हृदय में जाकर बैठ जाएंगे, ठाकुर जी दोनों जाकर बैठ जाएंगे। इसलिए बोले श्रृणताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा सुनते 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 ठाकुर जी कर्ण को माध्यम से हृदय में जाते हैं। हृदय में जाकर क्या करेंगे? उदाहरण दिया जैसे तुम्हारी कोई प्यारे बड़े दोस्त है, अच्छे तुम्हारे कई दोस्त है, तुम्हारे घर में आए, एक कुर्सी पड़ा हुआ जिसमें गंधा है, जिसमें धूल जमा हुआ, आपको बड़े प्यारे सखा है, मित्र है, वो ये नहीं बोलेगा तो ये कुर्सी को साफ कर मैं बैठूंगा, वो स्वयं रुमाल निकाल करके उसको साफ करके उसमें बैठ जाएगा। इसलिए हमारे सबसे बड़े मित्र कौन है? बोले कृष्ण है। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव, हम इधर से कथा सुन नहीं रहे, ठाकुर जी कानों को माध्यम से हमारी हृदय में जा रहे हैं। अगर ठाकुर जी कथा सुनेंगे तो हृदय में अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होगा, कृष्ण स्वयं अपना रुमाल निकाल करके साफ करके और हमारे हृदय में ठाकुर जी बैठ जाएंगे। इसलिए बोले अपार संसार समुद्र से तुम भजाम भागवत स्वरूपम, ऐसे जो श्रीमद् भागवत है हम सबके सभी भागवत ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसलिए सत संगति दुर्लभ संसार, पार्वती बड़े किस्मत वालों को ये कथा सुनने को मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। देखो पार्वती क्या कहती है, बोले प्रभु आप कह रहे हो सत संगति दुर्लभ संसार, बोले हाँ, बोले दुर्लभ कहाँ है? जैसे ये अशोक नगर में कथा हो रही है, इन लोगों ने प्रचार भी किए होंगे, बोले भैया बैनर लगाएंगे, बोर्डिंग लगाए होंगे, पंपलेट भी बांटे होंगे घर घर में जा करके, भैया कथा हो रही है, भागवत कथा सुनने के लिए आओ, भागवत कथा होने जा रही है। कथा आप कह रहे हो सत संगति दुर्लभ संसार, दुर्लभ कहाँ है? ये तो सुलभ हो गया। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले आबत यही सर अति
कठिनाई आवसे सदाती कठिनाई आवसे ये सत्संग में नहीं आ सकता। अब लोग रामायण सुने होंगे, अब लोग रामायण सुने होंगे। जब माता सती ने भगवान जब माता सीता की हरण हो गई और सीता की शंका हो गया प्रभु राम को ऊपर में, शंकर जी को बोले प्रभु जी आप किसको परिक्रमा लगा रहे हो। जब रावण सीता को उठा करके ले गया और प्रभु राम हा सीते बोल करके पागल होकर के लता पत्ता वृक्ष हिरण को पूछ रहे थे। सती ने बोले प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हो आप, जो परम ब्रह्म प्राप्त पर प्रभु राम की कथा सुनाते हो, ये कोई वही राम ना कोई साधारण जीव, क्योंकि मेरे को पता है जो रावण ने जो सीता को उठा करके ले गया वो नकली सीता है, वो असली सीता है ही नहीं, क्योंकि सीता स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी है। इनको स्पर्श करने का बात दूर है, इनको देख भी नहीं सकता ये रावण, अगर उनको स्पर्श करेगा ना जल करके राग बन जाएगा है? लेकिन माता सत्य की विश्वास नहीं हुई है, माता सत्य की विश्वास नहीं हुई, उसने परीक्षा करने के लिए गए, सीता रूप धारण करते हुए गई। बाद में रामचंद्र को पता चला इसने सीता की रूप धारण की, इसलिए प्रभु शंकर ने चिरकाल के लिए सत्य को पत्नी रूप में त्याग दी। अभी पत्नी की आदर नहीं देते, गुरु की आदर देते हैं। सत्य ने देखा मैंने बहुत गड़बड़ी कर दी, प्रभु की लीला में मैंने शंका कर दी, मेरी अपराध हो गई, इसलिए माँ सती को शरीर त्याग देना पड़ा, मरना पड़ा लास्ट तक कनखल में जाकर उन्होंने शरीर त्याग दी। उसको बाद में फिर पार्वती बनकर के आती है, हिमालय की बेटी बनकर के फिर आती है। इसको बाद में उसने फिर उन्होंने शंकर जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उन्होंने कठोर तपस्या की कहाँ पर, मतलब बेल का वृक्ष को नीचे उन्होंने तपस्या की। अपने आप जब बेल पता गिर जाता तो उसको माँ पार्वती प्रार्थना करती, जब शंकर जी संतुष्ट नहीं हुए बाद में उसने बेल पत्ते के भी त्याग दी, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया अपर्णा। क्या नाम पड़ा? अपर्णा नाम पड़ा, मतलब उसने पत्ते को भी खाना छोड़ दी। बहुत कष्टों के बाद में जब शंकर जी को साथ में शादी हुई तब शंकर जी पार्वती से प्रश्न करते हैं, बोले पार्वती तू अभी बता तुम मेरे को पाने के लिए इतने कष्ट क्यों, कठोर तपस्या की, शादी के बाद जब पूछे तुम्हें क्या चाहिए आप लोगों को बताओ, अगर शादी के बाद में अगर पति बोले पत्नी तुम्हें क्या चाहिए अब क्या बताओ, बोले चलो कहीं हनीमून मनाने जाएंगे, नहीं तो मेरे लिए ऐसे साड़ी साठ सलवार ला दो, नहीं तो ऐसे गहना ला दो, नहीं चलो हम कहीं घूमने जाएंगे, यही बोलोगे ना, नहीं तो बोलोगे बढ़िया बढ़िया सोने की कोई अलंकार हमें ला दो, यही तो बोलोगे ना। लेकिन शंकर जी जब उन्होंने पार्वती से पूछे बोले बताओ तुम क्या चाहिए, देखो ये कथा की कितने महत्व है, माँ पार्वती स्वयं कहती है बोले प्रभु केवल एक इच्छा से आपको पाने के लिए मैंने तपस्या की, केवल भगवान की कथा सुनने की, हाँ मेरे को ठाकुर जी कथा सुनाओ और हृदय में जो अज्ञान है मेरी ये अज्ञान को दूर कर प्रभु, मेरे को दुनिया की कोई गहना कोई हनीमून बनाना कोई सूट सलवार साड़ी नहीं चाहिए, हमें तो केवल ठाकुर जी की हमें कथा चाहिए, हमें भगवान की केवल कथा ही सुनाओ। हाँ देखो ये भगवत कथा की कितनी दुर्लभता है, इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती आ बत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनो
आई बचा। अगर कोई किसको पता चले ना यहाँ पर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय आ गए, अगर इसी से बात तुम्हें पता चले शाहरुख खान आ गया ऐश्वर्या राय नहीं तो कोई हीरो हीरोइन आ गया, किसको बोलने का जरूरत है। थोड़ी सी पता चलते ना घर तुम्हारी पूरा खाली हो जाएगी, घर में एक लोग भी नहीं मिलेंगे और इतने लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे वहां प्यार भी रखने के लिए तुमको स्थान नहीं मिलेगी हैं। लेकिन अगर बोले भैया भागवत कथा हो रही है आओ कथा सुनने के लिए, हम हजार बहाना बनाते हैं, नहीं हमको काम पड़ गया था इसलिए जा नहीं पाए, अगर आएंगे तो पत्नी को बोले तू चला जा बाद में देखूंगा इतनी आने के लिए है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आवत यही सरा अति कठिनाई और राम कृपा बिना आए लगे। इतने में माता पार्वती शंकर जी से फिर प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु अरे तेरे कथा में कौन आते हैं, तेरी कथा में भागवत कथा में कौन आते हैं। देखो शंकर जी क्या क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा अति हर कृपा पर अति हर कृपा पर पावत पावत ये भागवत कथा में वही आ सकते हैं पार्वती, भगवान की दो तरह की कृपा है, एक तो डायरेक्ट कृपा है और एक घुमा फिरा करके कृपा है। शंकर जी कहते हैं पार्वती जिसको ऊपर में भगवान का डायरेक्ट कृपा हो सीधा कृपा होती है, कहते पार्वती वही व्यक्ति ही भगवत कथा सुन सकते हैं, वही व्यक्ति ही ये भागवत कथा की अधिकारी होते हैं। पार्वती मेरे को भी कथा अगर मेरे मन में इच्छा होती है ना कभी ये कथा सुनने के लिए, हम पहले सुने हैं कहते भागवत कथा की इतने दुर्लभता है, कहते स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठ नास्तयम रस, आज जो सौभाग्य आज हम लोगों को प्राप्त हुई है कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी देवता लोगों को जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाने जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी पूरा के पूरा अमृत का कलश लेकर के आए, बोले पूरा के पूरा अमृत कलश ले लो लेकिन कथा सुना दो, उन्होंने भगा दिया उन्होंने कथा नहीं सुन सकते। मतलब देवता रूप में जन्म लेने पर अभी भी स्वर्ग में ये कथा सुनने को नहीं मिलती है, बोले स्वर्ग की बात छोड़ो उसकी सात लोक ऊपर में ब्रह्म लोक है जहाँ पर स्वयं श्री ब्रह्मा जी वहां पर रहते हैं। बोले भैया ये कथा ब्रह्म लोक में भी ये कथा नहीं, बोले भैया ब्रह्म लोक की बात छोड़ दो यहाँ पर शिव लोक में भी कथा नहीं, कहते भैया शिव लोक की बात छोड़ दो कभी कथा वैकुंठ लोक में भी नहीं। इसलिए अगर श्री गरुड़ को कहीं पता चलता है ये भागवत कथा हरि कथा हो रही है कहते श्री गरुड़ जी वैकुंठ छोड़ करके इसी जगत में श्री कथा सुनने के लिए आते हैं। इसका मतलब है देखो कथा सुनने के लिए देवता को स्वर्ग लोक त्याग देना पड़ेगा, ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोक त्याग दिए, शंकर जी कैलाश लोग त्याग दिए और वरुण जी वैकुंठ को त्याग दिया, लेकिन अशोकवासी अशोक नगर के भक्त वृंद को आपको कुछ त्याग देना पड़ा, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, ये कथा रूपी गंगा बहते बहते तुम्हारे घर के सामने आ गए और हम बैठे बैठे कथा रूपी गंगा में हमने नहा लिया। मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान है जो कि हम लोग इस श्रीमद भागवत कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रताप की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं
इच्छा की महिमा समझना है ना, बस चार दृष्टिकोण से इसकी महिमा समझनी चाहिए। बोले पहला नंबर क्या है, बोले कथा कौन सुन सकता है, कभी ये कथा की इतनी महिमा है, पापी से अगर पापी भी सुने उसको भी मुक्ति प्रदान करती है। जैसे ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, इसका नाम पर जब गया में पिंड दिया उसको मुक्ति नहीं मिली, लेकिन कथा कब मुक्ति मिली, जब ये भागवत कथा से मुक्ति मिली। इसका मतलब जिसकी किसी तरह से मुक्ति नहीं होती है, पापी से पापी क्यों नहीं हो, अगर ये भागवत कथा में बैठ जाओ तो उसकी भागवत कथा मुक्ति प्रदान कर देती है। कभी ये भागवत कथा नहीं, बोले ये क्या है, बोले निगम कल्प तरु फलितम। आप लोग हम लोग ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हुए, बोले कल्प वृक्ष मतलब बोले जिस वृक्षों को नीचे बैठो और जो कुछ मांगो ये भागवत से, ये भागवत आपको वही दे देगा। अगर 7 दिन तक आपने सही सही कथा सुनी, इसलिए भागवत पद्म पुराण में आती है, जो रोगी है भागवत उसको निरोगी देती करती है, जो निर्धन है उसको भागवत धन प्रदान करते हैं, जो संसार में दुखी है तो भागवत उसको सुख प्रदान करती है, जिसकी संतान नहीं भागवत उसको संतान प्रदान करती है। जगत में ऐसे कोई चीज नहीं, अगर ये भागवत कथा को एकदम 7 दिन तक अपने एक मन से और नियम के साथ कथा सुन लो, अब जो कुछ ये भागवत से मांगोगे ये भागवत आपको वही इच्छा पूरी कर देगी। इतने महिमा ये भागवत कथा की। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले 7 दिन तक बिना खाए पिए कथा सुन। बोले भैया भूखे ना भजन हो ही गोपाला, अब तो अगर 7 दिन तक बिना खाए, बोले ऐसे तो कथा नहीं सुन सकते। जो नहीं तो 7 दिन तक घी पी कर कथा सुन, बोले घी पिए तो पेट बदला हो जाएगा, बैठ नहीं सकते। बोले अगर ऐसे नहीं होता है 7 दिन तक फल खाकर भजन कथा सुन, बोले फल कठिन है। बोले फिर बोले नहीं तो एक टाइम तो खाना खाओ और एक टाइम फलाहार कर। ये जो विधि ना इसको सबसे बढ़िया बताया, एक टाइम खाओ और एक टाइम फलाहार करो, ये सबसे बढ़िया। बोले अगर इससे भी तुम्हें कठिनी होती है, भैया जितना बार खाने का खाओ खाओ के, लेकिन कथा ठीक से आकर के कथा ठीक से सुनो, फिर तेरी कथा हमें सब इच्छा को पूरी करती है। हाँ देखो आज हमारे श्री गुरु जी की, आज हमारे गुरु जी की तिरुभाव है, दो महापुरुष का तिथि है, इसलिए आज हम थोड़ी सी अपना गुरु जी के चरित्र को, उनकी शिक्षा को, वो कैसे भजन साधन करते थे, आज इसी विषय पर आज हम यहाँ पर कुछ विवेचना करेंगे। और यहाँ पर गुरु जी की कुछ भक्त लोग है, शिष्य लोग यहाँ पर है, जो हमारे जो बड़े गुरु जी, देखो वहां पर भक्त लगा हुआ और यहाँ पर तस्वीर लगा हुआ, वहां पर देखो गुरु जी को। हमारे बड़े गुरु जी ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये राधा रानी एक निजी जन थे। जब हम लोग वृंदावन में जब गुरु जी प्रकट थे, एक समय हमारी श्री वृंदावन 84 ब्रजमंडल परिक्रमा लग रहा था। एक दिन सेवा कुंज का एक पुजारी, वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो, हाथ उठाओ तो कौन कौन वृंदावन में, सबके सब गए ना। तो वहां पर एक सेवा कुंज है, वहां के एक पुजारी एक दिन वहां की ठाकुर जी के फूल की माला और कुछ प्रसाद लेकर के उन्होंने हमारे बड़े गुरु जी के पास में आए। तो वहां पर हमारे गुरु जी के जो सेवक थे, बोले क्या चाहिए, बोले मैं कुछ प्रसाद लेकर के आया हूँ और श्री नारायण गोस्वामी महाराज को देना चाहता हूँ। बोले मुझको दे दो ना, हम दे देंगे। बोले नहीं, मैं स्वयं अपना हाथों से देना चाहता हूँ। बोले क्यों, बोले कुछ विशेष बात है गुरु से बोलना। जब गुरु जी के पास में आए, उन्होंने कहा महाराज जी रात को श्री राधा रानी, हाँ वो जो वृंदावन में जो मंदिर है सेवा कुंज है, वो वृंदावन के हृदय है, जहां पर भगवान रास करते करते राधा रानी जब थक गई, कृष्ण जहाँ जहां पर उन्हें राधा रानी के चरणों को उन्हें दबाया, इसलिए वो स्थान का नाम है सेवा कुंज, मतलब जहां पर स्वयं परात पर तो कृष्ण राधा जी के चरण की सेवा की थी। इसलिए बोले राधा रानी मेरे को स्वप्न दिए कि जो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ये मेरी सखी है, हाँ ये मेरी सखी मंजरी है, राधा रानी मेरे को बताए ये प्रसाद लेकर के तो श्री नारायण महाराज को देकर गाना। तो गुरु जी सुनकर के हृदय का प्रेम भद्रत हो गया, राधा रानी स्वयं स्वप्न देकर के मेरे पास में अपना प्रसाद भेजी है। तो गुरु जी ने सबको कुछ ना कुछ प्रणाम देते, तो उन्होंने 1001 रुपया निकाल करके दिया। बोले नहीं नहीं आपसे भी नहीं ले सकता हूँ, हम सबसे लेता हूँ लेकिन आपसे नहीं लूंगा। बोले क्यों, बोले राधा रानी मेरे को स्वयं स्वप्न आदिष्ट दिया है,
ये प्रसाद लेकर पहुंचता हूँ, इसलिए आपसे मैं ले ही नहीं सकता हूँ। मतलब ये राधा रानी की ऐसे रिजन है जो राधा रानी जिनको स्वप्न देकर ये प्रसाद भेजते हैं, इसलिए ऐसे ये महापुरुष है। यहाँ पर हमारे गुरु जी की कुछ कुछ भक्त लोग है, वो लोग सबके सब गुरु जी को चरण में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे, सब इनके मुखार बिंद से हम थोड़ी थोड़ी गुरु जी की महिमा सुनेंगे। ठीक है, बोला श्रीला नित्य लीला प्रभु श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री राम। वेद प्रकाश गुरु जी तो ऊपर आ गए, वेद प्रकाश गुरु श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार माधुर्य गुणेशम वरम वरेण्यं पुरुषम महात्म नारायणं त्वं शिरसाल नमामि। इधर आ जा, जा। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराधित गुरुदेव ओम श्रीपाद शोत्रशत शिष्यमत भक्ति वेदांत श्री नारायण जी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर आसीन श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में। आज केवल हम लोगों को लिए जो गुरु जी के शिष्य हैं या गौड़ीय वैष्णव हैं, केवल उनके लिए ही एक शुभ दिन नहीं है, बल्कि ये दिन सभी भक्तों के लिए और पूरी मानव जाति के लिए शुभ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग आप देखते हैं जगत में बहुत से महापुरुषों के जन्मदिन और उनके तिरुवा दिवस ये सब मनाते हैं, जैसे महात्मा गांधी और बाकी लोग। लेकिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये लोग मानव जाति पर कुछ उपकार करते हैं, मानव जाति के लिए कुछ कार्य करते हैं, पर ये कार्य सारे केवल संसार से संबंधित होते हैं। परंतु ये जो गुरु वर्ग होते हैं, जो भगवान की भक्ति को हम तक लेकर आते हैं और हमें संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण भक्ति में लगाते हैं, इनके द्वारा किए गए उपकार ही असली उपकार होते हैं। ये बात हमको तभी पता चल सकती है जब हम ऐसे महापुरुषों का संग करें, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करें। तो ये जो महापुरुष आप देख रहे हैं, इधर उनका चित्रपट है बड़ा, ये महापुरुष का चरित्र बहुत ही उज्जवल और उनके उपदेश पूरी मानव जाति के उपकार के लिए हैं। हम संसार में कई तरह के साधुओं को देखते हैं, तथाकथित साधुओं को, और उनमें से कुछ लोगों को हम अपना गुरु भी बनाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि गुरु होना कैसा चाहिए, उसके लिए गुरु के चरित्र पर हमको कुछ ध्यान देना चाहिए। और ये जो महापुरुष हैं, इनके चरित्र को अगर हम देखें तो इसमें कुछ इनके चरित्र का बखान नहीं किया जा सकता, इनका चरित्र बहुत बड़ा है और हम थोड़ी थोड़ी बातें ही कुछ बोल सकते हैं, जो हमारा जितना संग हुआ, जितना हमने समझा उनको। केवल 26 वर्ष की आयु में श्री गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी अपने गुरु जी से मिले, 26 वर्ष की आयु थी उस समय उनकी दीक्षा हुई, और ये दीक्षा का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो एक कहें तो, हालांकि इस तरह के जो महापुरुष होते हैं ये हमारे जैसे मानव नहीं होते, हमारे जैसे मनुष्य नहीं होते,
ये लोग सीधे भगवान के धाम से आते हैं, हम लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाकर फिर वहां भगवान की सेवा में चले जाते हैं। तो ये हमारे जैसे नहीं होते, दिखते हमारे जैसे हैं लेकिन हमारे जैसे नहीं होते, परंतु फिर भी संसार में आते हैं तो उसके अनुसार कुछ कार्य करते हैं जिससे कि हम लोगों को कुछ प्रेरणा मिले। 26 साल की आयु में अपने गुरुजी से दीक्षा हुई, मतलब दोबारा जन्म हुआ, और केवल 5 वर्ष और होने के बाद गुरुजी के पास रहे, और उसके बाद हमारे गुरुजी के गुरुजी जो परम गुरुदेव हैं श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने उनके पास केवल 5 वर्षीय रहे, और उसके बाद परम गुरुजी ने इनका जो आवेश देखा कृष्ण भक्ति में और गुरु सेवा में, उसे देखते हुए इनको संन्यास प्रदान किया। उस समय इनकी आयु कितना, 31 साल करीब थी। तो 31 साल की आयु में, 31-32 साल की आयु में हमारे गुरुजी का संन्यास हुआ, और उसके बाद लगभग 50 वर्ष तक मथुरा में रहे। पहले नवदीप में थे, बंगाल में गुरुजी के पास सेवा करी, लेकिन फिर गुरुजी ने बोला कि आप मथुरा जाओ, वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो ये मथुरा है, और मथुरा में बंगाल से कोई आए, उस जमाने की बात है, आज से सन 1954-56 की बात है, तो कितना समय हो गया, 50 साल से ज्यादा करीब हो गए, 50-55 साल। उस समय बंगाल के लोगों को ये माना जाता था कि ये लोग काला जादू करते हैं, और इसके लिए बहुत कुछ बंगाल में जो उस समय जिस तरह के तंत्र और तांत्रिक होते थे, वहां पर काली पूजा को एक तंत्र की तरह किया जाता है, और तांत्रिक लोग काली पूजा और देवी पूजा करते हैं, और उसमें वहां के लोगों को बोला जाता था कि ये लोग बंगाल के लोग काला जादू जैसे बोलेंगे ना तो बंगाल का नाम आता है वहां। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु आज से करीब 550 साल पहले अवतीर्ण हुए, और उन्होंने कृष्ण भक्ति और हरिनाम संकीर्तन को बढ़ाया, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वो कुछ कम हुआ और ये तंत्र मंत्र जो है बढ़ गया। तो बंगाल के लोगों को बोलते थे काला जादू करते हैं। तो हमारे गुरुदेव जो है वो आए बंगाल से मथुरा में, और मथुरा में वैसे भी ये मथुरा के जो मथुरा वृंदावन जी ब्रज जो क्षेत्र है, ये भगवान कृष्ण का अपना क्षेत्र है। तो यहाँ के लोग अभी भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो ये कृष्ण के निज जन है। इनमें बहुत गर्व होता है इस बात का कि हम भगवान के संबंधी हैं, और ये बाहर वाले को किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी को सम्मान नहीं देते, और वो भी कोई बंगाल से आए तो उसको तो बिल्कुल सम्मान नहीं देना, ये तो काला जादू करते हैं। पर हमारे गुरु जी धीरे धीरे करके लोगों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हुए, उपदेश देते हुए, लोगों के साथ प्रेम करते हुए, हमारे गुरु जी एक समय, अभी कुछ समय पहले, हमारे गुरु जी को उन्हीं ब्रजवासियों ने मिलकर बरसाना, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, सब ब्रजवासियों ने मिलकर हमारे गुरु जी को युगाचार्य की उपाधि दी। युगाचार्य, जिस बंगाल से आए हुए किसी व्यक्ति को ये लोग स्वीकार नहीं करते थे, उसी को युगाचार्य की उपाधि देना, आप शायद इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना परिश्रम हमारे गुरुजी ने किया। किसके लिए किया? उपाधि पाने के लिए नहीं, परिश्रम किया केवल और केवल हम जैसे लोगों को संसार के दुखों से निकालकर कृष्ण भक्ति में लगाकर हमारे दुखों को, जो संसार के दुख हैं, उनको दूर करके भगवान की भक्ति में लगाकर परमानेंट सुख प्रदान करने के लिए। ये हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा उपकार है, केवल हम ही पर नहीं, आज भी वही गुरु हमारे समक्ष, हमारे बीच में है। कैसे हैं? आंखों से दिखते नहीं, लेकिन वो है, जैसे कृष्ण हमें आंखों से नहीं दिखते लेकिन फिर भी हमारे बीच में है। कैसे बीच में है? तो बोलते हैं जहां भी कृष्ण की कथा होती है वहां पर वो मिलते हैं। कथा का मतलब क्या है? जहां भी कोई कथा कर रहा हो, बोल रहा हो और सुन रहा हो,
तो इसी तरीके से हमारे गुरु जी हमारे बीच में है, तो केवल और केवल गुरु जी के जो शिष्य हैं, गुरु जी की जिन्होंने सेवा करी है, जैसे श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी हमारे गुरु जी के साथ कई वर्षों तक रहे, कई वर्षों तक हमारे गुरु जी की सेवा करी, गुरु जी से सीखा, गुरु जी के उपदेशों का पालन किया, तो आज भी हम अपने गुरु जी को अगर अपने समक्ष पाते हैं तो केवल और केवल ऐसे महापुरुष जो हमारे सामने अभी मंच पर आसीन है, इनकी कृपा से ही हमको ये गुरु जी के दर्शन हो पाते हैं। हरे हरे कृष्णा, हमारे गुरु जी के कमल प्रभु जी, कमल प्रभु जी आजा आजा, सब लोग जितने गुरु जी के शिष्य है सबको थोड़ी थोड़ी बोलने देंगे, आजा इधर आजा जी, तुम भी थोड़ा बोलना ठीक है, और गुरु जी का जो शिष्य है तुम्हारे पास में जो बैठा था उनने चोटी के बारे में बताया, हमारे ऋषि प्रभु जी चोटी के बारे में बताए, चोटी क्या और वो कहाँ गए, प्रभु जी आप भी खड़ा बोलना ठीक है, जितने गुरु जी के शिष्य है ना सब एक एक गुरु जी के चरण में सबके सब पुष्पांजलि देना, सबके सब आ जाओ। हरे कृष्ण, ओम अज्ञान के निरंतस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वामन गोस्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे पहले इस परम पावन मंच पे विराजमान पूज्य पार्षद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों का दंडवत प्रणाम, उसके बाद हमारे बहुत ही प्रिय अजय पायलट प्रभु जी इतनी दूर से आप सबके लिए आए हैं जी, प्रभु जी का बड़ा सबके साथ बहुत मधुर संबंध रहता है, किसी ना किसी तरह से बुला लेते हैं सभी हमारे वेद प्रकाश प्रभु जी और सभी भक्तों को वैष्णव को माता बहनों को दंडवत प्रणाम। जब सामने शहद का पात्र रखा हो तो उसके सामने गुड़ इत्यादि बहुत अच्छे नहीं लगते, तो उसी प्रकार से हमारे मध्य में पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी की मधुर अमृतमय कृष्ण कथा का जो यहाँ पर आप सबके लिए एक चल रहा है कार्यक्रम, उसमें बड़ा कष्ट सा महसूस होता है कि हम बहुत ही अपनी तुच्छ बुद्धि से क्या बोलेंगे, ये हमारी अभी सुनने की अवस्था है, हमें सुनना चाहिए, बोलने का भी हमारा अधिकार नहीं बनता, परंतु फिर भी उनका आदेश है तो उसको पालन करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। देखिए हमारे गुरुदेव ऐसा होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो नेचुरली दुनिया में जितने भी सभी शिष्य हैं सभी अपने अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, तो हम भी अगर ऐसी गुरुजी के बारे में बोलेंगे तो आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहां भी सुन सकते हैं कि हाँ वहां हम गए थे जी, गौड़िया मठ का प्रोग्राम था, वहां पर वही गुरुजी की चर्चा कर रहे थे, और दूसरी जगह पे गए वहां पे भी गुरुजी की बात हो रही थी। तो मैं पर्सनली थोड़ा उस थ्योरी में विश्वास कम करता हूँ, मैं ये चाहूंगा कि हम बहुत खुले मन से, अगर यहाँ श्रीमद् भागवत की जैसे कथा चल रही है तो हम थोड़ा सा विचार करके समझने का प्रयास करें कि शास्त्र क्या कहते हैं कि गुरु। तो देखिए आजकल तो कलयुग चल रहा है, आप जहां पे भी
कहीं पे भी आप विचार टीवी के सामने बैठ जाइए, आपको 50 गुरुजन दर्शन देते हुए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्य दो बातें हैं, एक तो किस चीज का प्रचार हो रहा है और जो प्रचार कर रहा है उसका अपना व्यक्तित्व कैसा है। कलयुग में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं पर धोखा दे जाता है और इसलिए आपकी श्रद्धा पे चोट पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक पर्सनल अपील कर रहा हूँ आप सबसे कि खुद मैं, मेरे साथ बैठे हुए अजय प्रभु जी, आप इनके बारे में अभी आप जानेंगे, ये कोई साधारण जैसे वो नहीं है, ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पायलट हवाई जहाज उड़ाते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरे भी अभी जो प्रभु जी जो मेरे से पहले बोल रहे थे ये इधर बैठे हैं, तो ये सभी लोग बहुत सोच समझ करके कोई भी स्टेप लेने वाले लोग हैं। मैं इसलिए पर्सनल अपील कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय नहीं है हम लोगों के पास, हमारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, रोज हम कोई ना कोई नई घटना देखते हैं। तो हम लोगों ने बहुत कम से कम 30-30 सालों से, हम अपनी यूथ में ही जब लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं तो आप यकीन मानिएगा हम लोगों ने वो चीजें छोड़ दी थी, और हम लोग चाय कॉफी तक भी छोड़ कर करके, प्यार लहसुन इत्यादि सब छोड़ कर करके, जुआ और वो तो बहुत दूर की बातें हैं, हम लोग ट्रेनों में धक्के खा खा के, बसों में खड़े हो के कैसे तैसे मथुरा वृंदावन पहुंचते थे, और इस तरह का तो हमने कोई चीज देखी थी, ठीक है। वो क्या देखा था, अब उनको जो गुरुजी आज के दिन हम लोगों को इस दृष्टि से छोड़ करके चले गए, अब उनको हम प्रैक्टिकली एकदम से आपके सामने ऐसे नहीं उनका वो अनुभव करवा सकते। लेकिन अभी जो मेरे से पहले प्रभु जी बोल रहे थे बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपकी संतान होती है ना, तो संतान को देख करके आपको उसके परिवार का पता लग जाता है कि वो कितने, उसके माता पिता कैसे थे, कैसी या उन्होंने संस्कार दिए थे। तो आप यकीन मानिएगा जैसे जो पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी बैठे हुए, हमने अपनी आंखों से, तब महाराज जी ने संन्यास भी नहीं लिया था, हमने इनका जीवन देखा है, ऐसे और कितने ब्रह्मचारी हमारी आंखों के सामने, हमने इनको देखा है 24 घंटे में से 18 घंटे मठ में ऐसे काम करते हुए गर्म तवों के साथ खड़े हैं, और कितने कितने हजारों लोगों के लिए खुद अपने हाथ से प्रसाद बना रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, प्रसाद सबको खिला रहे हैं, उसके बाद बर्तन साफ कर रहे हैं, पत्तले भी उठा रहे हैं, फर्शों की भी धुलाई कर रहे हैं, और सुबह सुबह 4 भगवान के सामने मंगल आरती में भी खड़े हैं, फिर उसके बाद सारा दिन वही की वही दिनचर्या, एक दो दिन नहीं कि सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ऐसा हो रहा है, कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक परिक्रमा इत्यादि के समय। तो ये चीज, ये डेडिकेशन कहाँ से आ सकती है, इसका कोई ना कोई तो स्रोत था, वो स्रोत इतने महान थे जिनकी आज स्मृति में, उनके चरणों में हम अपनी पुष्पांजलियां देने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। हम क्या, सूर्य को देखिए, अभी इतनी बड़ी फ्लड लाइट जल रही है, हम यहाँ से अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला करके इसको क्या दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते ना, ये इतना बड़ा स्रोत है, समझिए 500 वॉट की जल रही है, हमारा क्या मोबाइल लाइट देगा। तो वही शास्त्रों में एक उदाहरण दिया कि सूर्य को आप दिया क्या दिखा सकते हो। तो इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि हमारा कुछ सामर्थ्य नहीं है कि हम इतने महान पुरुषों के बारे में कुछ भी कह सकें, लेकिन आप क्योंकि हमारे बाद आए हैं तो ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हमें अगर कोई चीज अच्छी लगी, हमने उसमें कुछ अच्छाई देखी, तो ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसके बड़े साफ दिल से, शास्त्रों की तो बहुत सारी बातें हैं, हम गीता के श्लोक आपके सामने बोल सकते हैं, श्रीमद् भागवतम अभी आप सुनेंगे, उसमें गुरु के लक्षण आएंगे, तो धीरे धीरे ये बातें तो समझ में आएंगी। लेकिन मैं सिर्फ 5 आपके यही लेना चाहता था कि आप कम से कम इतना ही विश्वास यहाँ से लेकर के जाइए कि हमारे जैसे कुछ यंग बच्चों ने भी जब जीवन में जो इतनी आसानी से कोई बात नहीं मानते थे, तो भी हमने बहुत जांच परख करके या उनकी कृपा थी जैसे भी था, बट किसी न किसी तरह से उनके साथ कनेक्शन बना और कुछ हमने उनमें चीजें देखी, और समय के साथ भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जैसे उन्होंने कृपा कर करके हमें अपने चरण आश्रम में लिया, आप सब पर पे भी वही कृपा वो बरसे, क्योंकि आपकी श्रद्धा बढ़ेगी तो हमारा भी भक्ति में मन और अच्छी तरह लगेगा। देखो श्रोता से ही तो सभा की वो है, शोभा है, अगर आप नहीं आए हैं इस समय कथा सुनने तो महाराज जी तो अपना भजन कर ही रहे हैं, उनका तो जीवन पहले भी पूर्ण भक्ति में लगा हुआ है, और वो कथा नहीं भी कर रहे होंगे तो भी वो अपना महामंत्र का जाप करेंगे या मंदिरों में प्रचार इत्यादि करेंगे, लेकिन इतनी दूर से पूरे विदेशों में वो भी जा रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं, हम थोड़ा सा
और एक साधारण जो समाज में चीजें चल रही हैं, जहां पर भागवत कथा बड़े आडंबर रूप में करी जाती है, बहुत सारा धन का इधर से उधर आदान प्रदान होता है, तो हम वैसे नहीं है। मतलब आप जब आप संग करेंगे ऐसे भक्तों का जो अपना सब कुछ छोड़ कर करके लगे हुए हैं इस चीज के अंदर, तो इन्होंने कुछ इनको मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो चख के ही आपको शायद पता लगेगा कि वो क्या चीज थी। लेकिन उसके लिए आपको भी दो कदम बढ़ना होगा, जैसा महाराज जी यहाँ समझाएंगे कि एकादशी के व्रत करने हैं, भगवान का नाम करना है, भक्तों का संग करना है, कथा सुननी है, वृंदावन मथुरा नवदीप मायापुर धाम इत्यादि के दर्शन करने हैं। तो ये पांच छह छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी नहीं है, हैं बहुत बड़ी चीजें, लेकिन इतना भी हम कर लेंगे तो भगवान के धाम का रास्ता हमसे दूर नहीं है। बस मैं यही कह करके आप सबके ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद हमारे मंच पर आसीन परम पूजना पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी को चरणों में मेरा प्रणाम, समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा प्रणाम और लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिवामन गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। आज बड़ा ही शुभ दिन है, हमारे गुरु जी की तिरुभाव तिथि है। आज के दिन ही 2010 में सुबह सुबह ये खबर मिली थी, हमारे राधानाथ प्रभु ने फोन की बताया था करीब 3:30-4 बजे कि महाराज जी अब छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने अपने नित्य लीला में प्रवेश किया है। तो बड़े ही उस समय झटका लगा था, बहुत जबरदस्त। महाराज जी पूरी थे उस समय, पूरी धाम ही विरह का धाम है, वहां पे जो ठाकुर जी के आप स्वरूप देखते हैं वो भी विरह स्वरूप ही हैं। देखा है कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं जगन्नाथ जी की, वो विरह में उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई रो रो कर, और वो वृंदावन को मिस कर रहे हैं। इसी तरह से गुरु जी भी हमको वहां पर छोड़ के चले गए, वो विरह के धाम में हम सबको विरह में डूबो गए। आज करीब 7 साल हो गए हैं और गुरु जी हमारे लिए पिता समान ही थे, जितना पिता से हम लोग प्रेम करते थे लगता था हमारे फादर ही बैठे हैं, वैसा ही डर भी लगता था, वैसा ही प्रेम भी होता था, सब कुछ वैसे ही होता था उनके साथ। उनकी अद्भुत पर्सनालिटी थी, उनके सिर्फ पास ही बैठ जाओ तो बड़ा अनुभव होता था और बड़ा अच्छा लगता था, दिल को एकदम खुश हो जाता दिल उनके पास बैठ के उनके दर्शन मात्र से। इसलिए कहते हैं गुरु जी के दर्शन ही बहुत पवित्र करने वाले हैं, अगर कुछ सुने भी ना खाली सामने जाके बैठ ही जाए। मैंने सुना है महाराज जी कहते थे कि कथा सुनिए तो सामने बैठा करो, कभी भी गुरु जी के साइड में नहीं बैठना चाहिए या पीछे जाके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की दृष्टि आप पे पड़ती है, उनकी दया दृष्टि है, वो दया करके देखते हैं तो उसमें एनर्जी आती है। महाराज जी ने खुद ये बात कही, इसलिए गुरु जी के हमेशा समक्ष रहना चाहिए। आज हम गुरु शब्द से थोड़ा बहुत डरने लग गए हैं आजकल, हमने देखा है क्योंकि इस तरह के ढोंगे गुरु हमें आजकल मिल रहे हैं, टीवी पे देखने को मिल रहे हैं, सब जेल जा रहे हैं, तो गुरु नाम ही थोड़ा खराब सा हो गया है। लेकिन गुरु बहुत अच्छी चीज है, गुरु का मतलब होता है भारी, इसमें भारीपन हो, और गुरु मैंने जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए उसको गुरु कहते हैं। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अगर गुरु और भगवान दोनों आ जाएं तो कहते हैं पहले गुरु जी के चरण पकड़ लो, भगवान के नहीं, क्योंकि गुरु जी खुश होंगे तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान के पास सीधे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जो गुरु जी महाराज जी आए हैं ये गुरु जी के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे गुरु परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो देने आए हैं यहाँ पे यह जगत की चीज नहीं है, जो भक्ति हमको सिखा रहे हैं, जो हरिनाम माला हमको दी है, ये कोई संसार की चीज नहीं है,
ये व्यक्ति कोई संसारी व्यक्ति नहीं दे सकता। हमारे गुरु जी कहते थे अगर भारत और चीन में बनती नहीं है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था ढोकलाम में लफड़ा सा हो गया था, तो अगर भारत और चीन में बनती नहीं है लेकिन चीन में बहुत अच्छे सामान मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, हमको सामान चाहिए, अब वहां से हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, कोई संबंध नहीं रहा है, तो कहते क्या करेंगे, सामान तो अच्छा चाहिए चाहिए लेकिन आपस में आना आदान प्रदान नहीं है, तो कहते किसी एक ऐसे स्थान पर जाना पड़ेगा जो चीन का भी दोस्त और भारत का भी दोस्त, जैसे कि हम नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल और चीन की खूब बनती है और नेपाल और भारत की खूब बनती है, तो वहां जाके हमको चीनी सामान मिल जाएगा सस्ते में। इसलिए महाराज जी कहते थे, गुरु महाराज जी के शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा, ये उदाहरण उन्हीं का है, तो महाराज जी कहते थे कि गुरु वह व्यक्ति है जो उस लोक का है, यहाँ का नहीं है, चीन मतलब गोलोक वृंदावन धाम का रहने वाला है, वहां का वासी है और यहाँ का भी वासी है, हम लोग तो सब यहीं के वासी, वहां के हमें कोई खबर नहीं, और कुछ लोग ऐसे जो वहीं के वासी उनको यहाँ की कोई खबर नहीं, जो परम मुक्त है वहीं रहते हैं, वहीं अपना आनंद में भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन गुरु वह व्यक्ति है जो दोनों तरफ रह आता जाता है, उसका संबंध वहां पे भी है यहाँ पे भी है, और उसके संपर्क में जब हम आते हैं तो वहां की चीज हम ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते, यहाँ के लोगों से नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, उनके पास है ही नहीं, यहाँ के लोग तो रुपया पैसा दे सकते हैं, यहाँ के लोग तो धन संपत्ति दे सकते हैं, यहाँ के लोग तो आपको सम्मान दे सकते हैं, ये सब चीजें दे सकते हैं, लेकिन अगर भक्ति प्रेम चाहिए तो जिसके पास है, जो उस धाम का आदमी है उसी को मिल सकती है। अब आप यहाँ पे सवाल कर सकते हो कि कैसे पता चलेगा गुरु जी उस धाम के, इसका कोई प्रमाण है कि महाराज जी वहां के यहाँ के नहीं, आप किसी को भी ऐसे बोल सकते हो भाई वो तो हमारे गुरु, सभी अपने अपने गुरु जी को बोलेंगे हमारे गुरु जी उस धाम के, कौन नहीं बोलना चाहेगा। अभी प्रभु जी बता रहे थे वृंदावन धाम के बारे में कुछ दिन पहले, बात फेसबुक पे भी बड़े लोगों ने शेयर की, मैंने भी शेयर की, वहां पे एक सेवा कुंज नाम का स्थान है, आप जानते हैं कहें वृंदावन सेवा कुंज है, वहां पे कहते हैं आज भी भगवान की लीलाएं होती है, दिन में बंदर घूमते हैं और रात को वहां पे एक पक्षी एक बंदर कोई भी नहीं रहता, कहते जो भी रात को वहां रुक जाए वो या तो पागल हो जाता है या गूंगा हो जाता है या बोल नहीं पाता या कुछ ना कुछ हो जाता या मर जाता, क्योंकि भगवान की लीलाओं को दर्शन करने में हम भी हमारी आंखें सक्षम नहीं है, हमारा उतना लेवल ही नहीं है। तो वहां के पुजारी हैं जो रोज वहां पे पूजा करते हैं और ब्रजवासी बहुत सरल हृदय के, तो उनको सपना आया एक दिन, राधा रानी उनके सपने में आई और उन्होंने कहा ये फूल माला जो है वहां पे मेरी एक मंजरी है, उसमें महाराज जी गोवर्धन में थे, गोवर्धन में रहते थे वृंदावन में गोपीनाथ भवन में थे उस समय महाराज जी बता रहे हैं, तो कहते हैं कि उसको तुम ये सुबह सुबह माला पहना उनको दे के आना और ये प्रसाद उनको देना है जाके, ये तुम्हारी मैं जिम्मेवारी दे रही हूँ। तो वहां के पुजारी को ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ और पुजारी जी आए मिलने लगे, पूछ रहे उनको पता नहीं था ये नारायण महाराज कौन है, पूछ पूछ के आए कि कहाँ रहते हैं क्या है, सब बोल रहे क्या बात है, बाहर माधव महाराज मिले, कहते क्या बात है, कहते मुझसे बात कर लो, कहते नहीं ये तो मेरे को जिसके लिए भेजा है राधा रानी ने उसी को मैं दूंगा अपने हाथ से, बीच में किसी को नहीं देने वाला, क्योंकि ब्रजवासी थे उनका भी हट होता है, ब्रजवासी भी भगवान हमारे हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे थे उनको भगवान भगवान नहीं मानते, भगवान को अपना मानते हैं, अपने ही दोस्त मानते हैं, सखा मानते हैं, तो ताकि मैं उन्हीं को जाके दूंगा, और फिर उन्होंने दिया नहीं, फिर माधव महाराज को अंदर ले गए और उन्होंने महाराज जी को माला पहनाई और महाराज जी को प्रसाद दिया और महाराज जी को सारी बात बताई कि कैसे कैसे ये मुझे राधाराज ने स्वयं आदेश दिया है, वो ब्रजवासी महाराज जी को जानते हुए नहीं थे क्यों आएंगे, तो देखिए इससे राधा रानी ने इशारा सा किया है, और कई इशारे ऐसे मिलते हैं, आज जैसे हमने बोला दो महानुभावों का हमारे गुरु जी का तिरुभाव है और पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन महाराज जी का आविर्भाव दिवस है, तो गुरु जी जब बहुत बीमार थे तब ऐसी बातें चल रही थी और किसी ने कहा कि महाराज जी के मुख से मैंने सुना है कि महाराज जी अपने गुरु जी भाइयों की तिथि में ही जाएंगे, क्योंकि इन तीनों गुरु भाई में बड़ा प्रेम था और सब एक दूसरे की तिथि में गए अगर आए गए हैं, अगर आप देखोगे तो सबको ये बात पता चल गई धीरे धीरे कान से इधर उधर फैलते फैलते, और उस समय परिक्रमा चल रही थी हमारी कार्तिक की और कार्तिक परिक्रमा में तिथि आती है वामन महाराज जी की, तो वो तिथि आई तो सभी लोग उससे चौकन्ना थे कि महाराज जी आज शरीर छोड़ दें, उन्होंने ऐसा सोच रखा है, तो हमारे महाराज जी हमारे तीर्थ महाराज जी सब बड़े बड़े लोग जो है वो बैठ गए, महाराज जी का हाथ पकड़ लिया उन्होंने, सारी रात बैठे रहे और मंत्र जाप करते रहे नरसिंह मंत्र, कहते हैं ऐसे मंत्र प्रभावशाली मंत्र है उनको बोलने से आप शरीर छोड़ नहीं सकते, महाराज जी को पकड़ लिया और महाराज जी मतलब फिर आराम से
पूरी परिक्रमा में महाराज जी हमारे साथ रहे। फिर मुझे याद है महाराज दिल्ली आ गए, दिल्ली में मैं ऐसे महाराज जी से उसमें कभी बीमार होते थे कभी ठीक होते थे, ऐसे लीला कर रहे थे, किसी ने एकदम ठीक हो जाते किसी ने एकदम से बात नहीं करते थे। तो मैं और मेरी वाइफ मिलने गए महाराज जी से, तो हमने पूछा महाराज जी कैसे हैं क्या, महाराज जी ने कहा कि मैं अब पूरी जाना चाहता हूँ। मैं तो कहते हैं वहीं पे जाना चाहता था कार्तिक के महीने में, लेकिन दस तरीके इन लोगों ने मेरे को जाने नहीं दिया। महाराज जी ने खुद ये बात कही अपने मुख से मेरे सामने, कहते इन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा जाने नहीं दिया। और फिर जब पूज्यपाद रावण महाराज जी की तिथि है, किसी को खबर भी नहीं थी, सब शांत थे, सब अपने यहाँ वहां हो गए थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज महाराज जी चले जाए। और महाराज जी ये रावण महाराज जी की तिथि में ही सुबह सुबह 2:30 बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो देखिये इनका ये मृत्यु भी अपनी इच्छा से करते हैं, मृत्यु तो नहीं कहेंगे यहाँ पे आना जाना करते, मृत्यु तो हम लोग की होती है, शरीर जो अपने आप को शरीर समझते हैं। तो महाराज जी आना जाना भी अपने इच्छा से, जब इच्छा होगी तब जाते हैं, जब इच्छा होगी तब, क्योंकि ये लोग संत महात्मा लोग उस लोक के हैं, वासी हैं। महाराज जी ने खुद अपने आप इशारा कई बार ऐसा किया है। एक बार मैं रामचंद्र प्रभु और कुछ और लोग वृंदावन मथुरा में डैम्पियर पार्क है वहां महाराज जी लोग घूमने जाते थे सुबह 6 बजे। एक बार वहां से हम सब आ रहे थे, सामने दो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे और बच्चियां, लड़की थी छोटी सी शायद केजी में होगी या फर्स्ट में होगी, ऐसे आगे जा रही थी, और उस लड़की ने अचानक ही पीछे मुकर कैसे देखा, और हम सब पीछे खड़े थे सारे के सारे, तो उसने बोला राधे राधे, तो हम सब ने भी राधे राधे बोला। फिर महाराज जी मुस्कुराने लगे और महाराज जी ने रामचंद्र को उसे पूछा, जिसको देखते ही भगवान का नाम आए उसको क्या बोलना चाहिए। उत्तम भागवत, उत्तम भागवत की डेफिनेशन ये है कि जिसको दर्शन मात्र से भगवान का नाम उच्चारण आ जाए, और छोटे बच्चे उसको भी बोध भी नहीं, उसको पता भी नहीं, कैसे महाराज जी इशारे किया करते थे छोटे छोटे, जो सब पकड़ ले वो पकड़ ले, जो नहीं पकड़े हमको जो नहीं भी पकड़े। एक बार महाराज जी को स्नान करा रहे थे हमारे घर में, हमारे घर में महाराज जी बहुत रुकते थे आके, जब कभी थोड़ी सी उनकी तबीयत ढीली होने का वो लीला करते थे तो हमारे घर मच जाते थे। एक बार सुबह सुबह स्नान करा रहे थे छत पे, थोड़ी धूप आती थी तो महाराज जी वहां स्नान करते थे, रामचंद्र प्रभु भी थे और फिर मसाज करते थे उसके बाद। तो रामचंद्र प्रभु ने बोला कि देखिए आपके अंग कितने कोमल हैं, कितने अच्छे हैं। तो महाराज जी पता क्या कहते हैं, एधत तेरे, ये भी कोई अंग है, कहते मेरे अंग तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, तुम उनको क्या देखो जानते। तो यहाँ महाराज जी अपना गोपी स्वरूप बता रहे हैं, आप रामचंद्र प्रभु से पूछ लीजिएगा उनके उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये महाराज जी इशारे करते थे बीच बीच में, लेकिन हम लोग कहाँ जाना, हमें भी काम में पड़े हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर संसारी माया, हमें जरूरत भी तो नहीं, अभी जरूरत भी नहीं, हमें जरूरत होगी तो अपने आप मिल जाएंगी चीज, हमें तो संसार की जरूरत है अभी फिलहाल, है कि नहीं। हम तो सोचते हैं ये सब ज्ञान ऐसे टीवी से ही सीख लेंगे, गुरु की जरूरत क्या है, छोटे छोटे ज्ञान के लिए भी गुरु चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनना है तो उसको गुरु के नीचे काम करना पड़ता है, पढ़ाई 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद 2-3 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है। कोई पायलट बनना चाहता है जैसे मैं हूँ, तो खूब पढ़ाई करने के बाद किसी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर के नीचे फ्लाइंग करना पड़ता है उसके साथ बैठ, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता। कोई भी चीज, वकील बनना चाहते हो तो फिर इंटर्नशिप करनी पड़ती है, वहां जाके भी तो 1-2 साल बैठना पड़ता है, अच्छा वकील ढूंढना पड़ता है, कौन अच्छा सिखाने वाला है। जितने अच्छे वकील के साथ काम करोगे उतना ही आपका नाम होगा, उतना ही आप अच्छे वकील बनोगे। लेकिन जहां भक्ति की बात आती है हम सोचते हैं टीवी से ही सीख लेंगे, क्या जरूरत है किसी, टीवी में कितने प्रोग्राम आते हैं, कितने बाबा जी बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, वहीं से सब सीख जाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं सीखोगे, बल्कि भटक ही जाओगे, इधर उधर हो जाओगे। ये सारी चीजें तो परंपरा से ही मिलती हैं, जो गुरु परंपरा जैसे महानुभाव हमारे हुए हैं। तो महाराज जी का स्वरूप क्या है, कहते हैं महाराज जी जो है रमण मंजरी हैं, क्योंकि महाराज जी आप देखोगे महाराज जी का रमण शब्द बहुत यूज करते थे। हमारे घर में भी हमारे ठाकुर जी, उनका नाम उन्हें राधा रमण दिया, और हमारे जनकपुरी में जो मठ है उसका नाम भी रमण बिहारी गौड़ीय मठ है। तो महाराज जी रमण मंजरी उनको स्वरूप बताया गया है। ये मंजरियां जो हैं ये कृष्ण की बहुत ही निकट राधा रानी की परम प्रिय सखियां होती हैं। अभी हम नहीं जानते क्या है, ये इतनी प्रिय हैं कि जहां पे कि ललिता विशाखा इन सखियों को भी आना जाना अलाउड नहीं, वहां पर ये मंजरियां पहुंच जाती हैं, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, कमल मंजरी, रमण मंजरी। तो महाराज जी वहां से आए हैं, आप सोच सकते हैं हमारा सौभाग्य कितना है, कैसे व्यक्ति को हम जानते हैं जो वहां से आया है। अगर कोई प्रधानमंत्री का ड्राइवर हमारा दोस्त हो जाए तो हम कितना खुश होते हैं, हम उसके ड्राइवर को जानते हैं, वो इतना काम कर सकता है ड्राइवर इतना। हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कृष्ण के रमण मंजरी है,
उस जगह से वहां पे आए, उनसे हमारा लेना देना है, उनसे हमारी पहचान है, उनकी दया दृष्टि हम पे पड़ी हुई है, उन्होंने वहां पे कृपा दृष्टि से देखा है, क्यों नहीं हमको भक्ति मिल गई? अवश्य ही मिले, मिली मिल मिलनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हम जानते हैं। और महाराज जी उन्हीं की जो शक्ति है वही महाराज जी से, जो गुरु जी के रूप में ही महाराज जी को देखते हैं। महाराज गुरु जी कहीं गए नहीं, छोड़ के गए सब कुछ, महाराज जी के रूप में और भी इतने महाराज हैं हमारे, वो सब गुरु जी की शक्ति संचारित है उनमें, उनसे उनके अगर हम चरण पकड़ लेंगे तो वही चीज हमको मिल जाएगी जो महाराज जी दे रहे, एकदम वही की वही। लेकिन समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को छोड़ना पड़ेगा इनके चरणों में, जो छोड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है, महाराज जी आए हुए हैं, ज्यादा देर उसको रोक के ना रखें, अपने आप को बह जाने, अगर हम चाहते हैं कि सागर में हम जाना चाहते हैं, सागर की सैर करना चाहते हैं, सागर की गहराई देखना चाहते हैं, लेकिन फूटे को नहीं छोड़ते जो हमने गार्ड रखा है जमीन के ऊपर, और खूब चप्पू चलाते रहते हैं कि आगे जाए आगे जाए, जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि खूंटा गड़ा हुआ है। खूंटे को तोड़ने से ही समर्पण होगा, समर्पण में छोड़ना पड़ेगा अपने आप को, बहना पड़ेगा, जैसे कि एक पत्ता है वो बह जाता है, जहां हवा आती वहीं बह जाता है। छोटे छोटे घास देखे आपने, हवा आंधी आती तो झुक जाते हैं और आंधी निकल जाती है, बड़े बड़े पेड़ देखे अकड़ के खड़े होते हैं, आंधी आती तो क्या होता है, रोड पे पड़े होते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, इसलिए जो अकड़ के रहेगा ऐसे वो आंधी के सामने टूट जाएगा, लेकिन जो झुक जाएगा, जो समर्पित हो जाएगा, जो गुरु वैष्णव के चरणों में आ जाएगा, वो आंधी सह जाएगा, निकल जाएगी आंधी, झुक जाएगा, वो नरम हो जाएगा। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है, गुरु जी के बारे में कहने को बहुत चीजें, समय मैं ज्यादा ले रहा हूँ इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं, और क्योंकि महाराज जी की मुख से सुनने की इच्छा है, इतनी दूर से आए हम लोग, तो आज इन महापुरुषों के चरण में प्रणाम है। एक छोटी सी बात और याद आ गई, क्योंकि वामन महाराज जी का भी आज तिथि है, तो उनके बारे में थोड़ा बोलना ठीक रहेगा। हालांकि वामन महाराज जी से मेरा एक बार मुलाकात हुई, खाली उस समय वो बीमार अपनी लीला कर रहे थे, अस्वस्थ लीला मायापुर धाम में, खाली वो बोले कुछ नहीं, दर्शन करके हम बाहर आ गए, एकदम गंभीर बैठे हुए थे। लेकिन महाराज जी की जीवनी में कथा आती है कि महाराज जी जब 25-26 साल के थे और उन्होंने कथा सुनी, उनके गुरु जी के कुछ लोग उनके यहाँ ऐसे भागवत कथा हुई, उसी में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब छोड़ के गुरु जी के पास जाना, एक बार में हमारे तरह नहीं कि करे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, कुछ बाहर निकले जा रहे हैं, इधर से आता इधर से चल जाता है, कुछ फॉलो नहीं करता। महाराज ने एक बार सुनी, इतना असर हुआ कि बस छोड़ के चले गए। रात को किसी को बताया भी नहीं, उनकी सुंदर पत्नी थी, अच्छा पद था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, पुलिस की बड़ी नौकरी थी, कमिश्नर की बड़ी ऊंची नौकरी थी, सब अचानक से रात को छोड़ दिया, गुरु जी को भी नहीं बताया। उससे पहले गुरु जी से पत्राचार करते थे, चिट्ठी लिखते थे, गुरु जी की चिट्ठियां आती थी, वो चिट्ठियां वामन महाराज जी लिखते थे, गुरु जी डिक्टेट करते थे, हमारे परम गुरु जी। तो छोड़ के जब आए तो किसी को कोई खबर नहीं थी, वहां पे एक दो ट्रेन चेंज करके जब नवदीप धाम पहुंचे, रात के 11-12 बज चुके थे, वहां पे कोई नहीं था व्यक्ति। तो महाराज जी उतरे, महाराज जी को पता भी नहीं जाना कहाँ है, क्योंकि कभी आए नहीं, पहली बार ही आए हैं नवदीप धाम, और छोटा सा स्टेशन आप जाओगे तो देखोगे एकदम अंधेरा था। महाराज जी सोचते क्या करूं, तभी देखा कि वहां से एक लाइट नजर आई बहुत दूर छोटी सी, धीरे 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 लाइट बड़ी होने लगी। महाराज ने कहा ये क्या चीज है, इतने सारे अंधेरे में ये लाइट, और कौन? तो देखा कि जब लाइट पास आने लगी तो देखा कि लालटेन सी थी, और एक व्यक्ति आ रहा था, पूछ रहा था आप तिवारी जी हैं? महाराज जी का पूरा नाम तिवारी जी था। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो तिवारी जी हूँ, आप कैसे पता चला, आप कौन हो? कहते मैं ही आपसे इतने दिन चिट्ठी लिखता था, मेरा नाम वामन, भक्ति वामन महाराज जी थे। तो कहते आपको पता कैसे लगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? कहते गुरु जी ने आदेश दिया आपको लाने के लिए। कहते मैंने तो गुरु जी को कोई बात बताई नहीं कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आप गुरु से। कहते गुरु जी को सब पता है, देखो गुरु जी की सक्षमता, हम गुरु जी को साधारण व्यक्ति समझते हैं, उनके गुरु जी को पता था कि ये व्यक्ति आज यहाँ पे आएगा, इस समय स्टेशन पे पहुंचेगा, उन्होंने अपना गण ऑलरेडी भेज दिया उसको लाने के लिए, लेके आइए। तो ऐसा प्रेम था इन गुरु भाइयों, गुरु जी सब जानते हैं, और गुरु जी ने ही महाराज जी को यहाँ भेजा है हमको लाने के लिए, आप सब यहाँ बैठे हैं, आपको ले जाने के लिए भेजा महाराज, लालटेन लेके आए हैं, भक्ति की रोशनी करना चाहते हैं, और जो आना चाहता है उसको ले जाना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, नाव में चलो बैठो, तैयार जो है, जो तैयार नहीं है वो ठीक है बाद में बैठ जाना, लेकिन जो तैयार है वो बैठो, और जो नहीं है वो चल तैयार हो जाओ पटा। इसलिए कथा बड़ा अच्छा माध्यम है, अभी शुरू ही हुई है, आज 7 दिन का और समय मिलेगा आपको, बहुत अच्छा मौका है, ऐसे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अगर हम उस समय गुरु जी को शरण लेने में चूक जाते तो आज इतना अनुभव नहीं हो पाता, आज फिर जहाज उड़ाते और कुछ नहीं कर पाते अनुभव, उस मौके को पकड़ लिया तभी तो काम है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे छोटे छोटे थे लेकिन गुरु जी के पास चले गए, वैसे ही आज अच्छा मौका है यहाँ पे 7 दिन के लिए,
ये महाराज जी के चरण को पकड़ना है, छोड़ेगा? ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को अंग्रेजी में बोलते हैं, ये खिड़की खुली है थोड़ी देर के लिए, पकड़ लो इसको फटाक और सब समर्पित हो जाओ। जैसे ये काम हो जाएगा सब कुछ अपने आप ही होगा। कहते हैं गुरु सेवा ही भक्ति की रीढ़ की हड्डी है, अगर ये गुरु सेवा होती रहेगी तो भक्ति आनी ही पड़ेगी, अपने आप ही आएगी, कोई बेचारा नहीं है। इसके अलावा आप हजार चीजें कर लो सब बेकार है, प्रचार भी कर लो बेकार है, गुरु जी की आज्ञा के बिना प्रचार भी अहंकार का ही कारण और कुछ भी नहीं, आपको गड्ढे में गिरा देगा प्रचार ऐसा। इसलिए गुरु जी की आज्ञा के बिना सब बाहर निकलना गड़बड़ है, गुरु जी की इच्छा से ही उनके चरणों में समर्पित होके सारा काम करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि करता हूँ। वंशा कल्प दुर्भस्त कृपा पतितानां पावन स्मृति। अरे अतुल अग्रवाल जी कृपा करके आगे आ जाइए, मैं वेद प्रकाश से बोल रहा हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं विगतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्ते श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने। नमः विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव स्वामी नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले पतित पावन परम करुणा में परम आराध्यतम श्री भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान प्रदाता गुरुपाद पद्म नित्य लीला कृष्ण ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर स्तुति सिमर भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ व उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर स्तुति सिमर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ वो उनके हृदय की कृपा प्रार्थना करता हूँ। नित्य लीला कृष्ण ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर स्तुति सिमर भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ वो उनके हृदय की कृपा प्रार्थना करता हूँ। व्यास आसन पर विराजमान पूज्यपाद त्रिवेद स्वामी श्री सिमर भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान सब वैष्णव गणों को यहाँ पर उपस्थित भगवत कथा श्रवण कृपासु सज्जन बिंद मातृबिंद सबको दंडवत प्रणाम कर। मेरी तो बोलने की कुछ योग्यता नहीं है, इतने सीनियर वैष्णव हैं, मुझे तो वैसे डर लग रहा है बीच में बोलने का, मैं वैष्णव की आज्ञा पालन करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करूंगा। जैसे अभी हमने सुना कि आज बड़ी ही पवित्र तिथि है, दो गुरु भाइयों की एक की प्रकट तिथि है और एक की अप्रकट तिथि है, और हमने अपने गुरुवर्ग से वैष्णव से सुना है कि वैष्णव जब प्रकट होते हैं तो वो भी मंगलमय होता है, और जो वैष्णव अप्रकट होते हैं तो वो भी मंगलमय होता है। संसार के लोग जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो दुख होता है, शोक होता है, लेकिन जब वैष्णव जो है जब इस धराधाम से अपनी लीला को समर्पण करके जाते हैं तो वो भी उत्सव का विषय होता है। तो बड़ी मंगलमय तिथि है और साथ में हमें भागवत कथा श्रवण करने का भी अवसर मिल रहा है। इस अवसर पे हमें जीत प्रभु जी ने काफी प्रयास करके जो है बहुत मेहनत करते हैं जिसे हम लोगों का मंगल हो। वैष्णव की इच्छा यही होती है कि जगत का कल्याण कैसे हो, तो वो उस रस का आस्वादन करते हैं और दूसरों को देख करके जो है वो द्रवित हो जाते हैं कि देखो बाकी लोग किस प्रकार कष्ट पा रहे हैं, उनको कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए इस प्रकार का आयोजन करते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले महाराज जी के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण का महात्म्य सुन रहे थे कि महात्मा ये जो भागवत कथा है ये कल्प तरु है, तो कथा में बैठने से आपकी जो वांछा है उस वांछा की पूर्ति हो सकती है, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो पारलौकिक। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए महाराज जी का जीवन का स्मरण मेरे को याद आया जब मैं महाराज से कथा सुन रहा था,
जो हम शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रश्नों विश्वास अशोक श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गुरु नारायण गोस्वामी महाराज की चर्चा कर रहे हैं, महिमा कीर्तन कर रहे हैं, वो पहले अपने गृहस्थ जीवन में एक पुलिस ऑफिसर थे, बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर थे और पुलिस की नौकरी करते थे। तो जैसे ये आयोजन हो रहा है, कथा का आयोजन हो रहा है, वैसे उनके घर के पास में भी इस तरह का कोई कथा का आयोजन हो रहा था जहाँ पे गौरी वैष्णव जाके कथा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो महाराज जी वहां पे जो है, यहाँ पे 7 दिन कथा हो गई तो वहां भी 5-7 दिन का प्रोग्राम था, तो महाराज जी जाते थे, कथा सुनते थे। वो उनका पहला इंटरेक्शन था वैष्णव के साथ। मैं यहाँ पे थोड़ा ये चीज कहना चाहता हूँ, देखिए अभी हम लोग भागवतम में सुनेंगे, प्रहलाद महाराज जी ने 9000 भक्ति का उपदेश दिया है, शरणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेद। तो श्रवण जो है वो पहली विधि है, जो 9 उसके अंग है भक्ति के, तो पहला श्रवण से ही जो है इस मार्ग में यात्रा स्टार्ट होगी। अब हम लोग, मैं जब महाराज जी इसका महात्म्य बता रहे थे, मैं वहां सामने बैठ करके ये सोच रहा था कि हमने कब से भागवत सुन रहे, कितनी बार भागवत सुन ली है, कितनी बार गुरुदेव के मुखारविंद से सुनने का अवसर मिला, वैष्णव से सुनने का अवसर मिला, तो वो परिवर्तन क्यों नहीं जीवन में आ रहा है। महाराज जी ने वैष्णव का संग किया और उस कथा के बाद उन्होंने ये निर्णय किया कि मेरे को ये नौकरी छोड़नी है, अब इस संसार में कोई फायदा नहीं है। और वो जैसे भी हमारे गुरु जी बता रहे थे कि वो नवद्वीप में अपने गुरु जी के पास चले, सिर्फ कथा सुन के, किसने पर्सनली नहीं बोला कि आप नौकरी छोड़ दो, आप हरे नाम करो, आप ऐसा कुछ नहीं, कथा में जो वार्ता हो रही थी वो सबसे हो रही थी। उन्होंने भी कथा श्रवण किया, हम लोग भी कथा श्रवण।